just have a brief idea or a clear idea about what is redemption. Redemption मतलब सीधे सी बात है, आप अपनी चीजों को क्या बोलते हैं वापस ले रहे हो, उसको बोलते हैं redemption. तो एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, जैसे redemption of debentures की बात कर रही हूँ. debentures मतलब क्या होता है, debenture is a debt instrument जो जिसके द्वारा कंपनी रेज करती है कैपिटल, डिबेंचर वो हुआ. तो अभी रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं. इट कैन बी डिस्क्राइब एज द प्रोसेस ऑफ रीपेइंग डिबेंचर्स इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स डिबेंचर होल्डर. इन अदर वर्ड्स इज द प्रोसेस ऑफ रीपेइंग द प्रिंसिपल अमाउंट टू डिबेंचर होल्डर. ठीक है, एक बार मैं समझा दे रही हूँ रिडेम्पशन का मतलब, अच्छे से समझ लो. रिडेम्पशन जैसे ये एक डिबेंचर होल्डर है, ठीक है, डिबेंचर होल्डर है, बॉन्ड होल्डर हो सकता है, शेयर होल्डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. इसने जो भी है, इसने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा. अभी डिबेंचर्स या बॉन्ड में क्या होता है, एक टाइम फ्रेम होता है कि इतने टाइम के बाद वो पैसे उठा लेंगे, उनको अपने जो पैसे हैं वो रिटर्न मिल जाएगा एक्चुअल प्रिंसिपल. जैसे इसने 10 लाख रुपए लगाए, इसने 5 लाख रुपए लगाए, तो डिबेंचर्स हो या बॉन्ड हो उसमें एक इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है, और एक टाइम फ्रेम होता है, इंटरेस्ट दिया जाता है. अभी कम ये डिबेंचर होल्डर या बॉन्ड होल्डर क्या कह रहे हैं कि अब उनको पैसे वापस चाहिए या उनको उठाना है. उनका टाइम फ्रेम था 5 ईयर्स, ठीक है. तो आफ्टर 5 ईयर्स जब वो पैसे को उठाएंगे, उनको तो वापस कंपनी उनको वापस उनके पैसे दे देगी. ये डिबेंचर होल्डर हो या जो बॉन्ड होल्डर्स हैं, उनको कंपनी पैसे वापस दे रही है, जो प्रिंसिपल अमाउंट कंपनी उनको वापस दे रही है. इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट तो उनको साल साल में मिलेगा, बट जो प्रिंसिपल अमाउंट है 10 लाख और 5 लाख, वो प्रिंसिपल अमाउंट उनको 5 साल बाद उनको देने की बात है. तो ये डिबेंचर होल्डर्स और बॉन्ड होल्डर जब अपने पैसे, कोई भी होल्डर्स हैं, वो कंपनी से अपने पैसे वापस उनको मिल रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडीम करना या रिडेम्पशन. इसी को बोलते हैं रिडेम्पशन. तो ये हो गए रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड, व्हाटएवर, क्योंकि दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इन्वेस्टर्स. ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो सकता है. अब ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं इसको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझूं, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, तो उसमें क्या है, जैसे कंपनी ने मार्केट में इशू किए शेयर्स, कंपनी ने बहुत सारी शेयर्स इशू की, इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, इसका मतलब क्या, कंपनी ने बेच दी है, 100 इक्विटी शेयर बेचा, 100 प्रेफरेंस शेयर बेचा. अब कंपनी ने जो बेचा उसमें क्लॉज था कि प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल, व्हाटएवर, रिडीमेबल एट द रेट ऑफ मे बी 120 After 2 years or 5 years, just for an example. इसका मतलब क्या, इसमें क्लॉज में लिखा था कि जब वो इक्विटी शेयर होल्डर तो बराबरी वाले राइट हो गए, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी ने जब मार्केट में ये 100 शेयर बेची, तो उसमें वो रिडेम्पशन का ऑप्शन था कि हम आपको बेच रहे हैं, कंपनी बोल रही है कि हम आपको ये सब लोगों को बेच रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बेच रहे हैं 100 रुपए के शेयर, जिसको कंपनी वापस खरीद लेगी एट द रेट ऑफ 120 आफ्टर 2 ईयर्स, 120 हो, 150 हो, whatever, वो after 2 years. तो ये जो 100 का 120 या 100 का 150 जो मिलेगा, यही preference shareholders का फायदा है कि मैं तुम्हारा सामान, जैसे मैं shareholder हूँ, मैं तुम्हारा सामान खरीदी 20 रुपए में, अब तुम company हो, तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं वापस अपना सामान खरीद लूंगा 50 रुपए में, 20, जैसे ये क्या, कंपनी ने 100 रुपए में preference shareholders वालों को शेयर दिए. अब कंपनी ने ये प्रॉमिस किया है कि रिडीम करेगी उसको, रिडीमेबल, ये सारे ऑप्शंस है, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल एट द रेट ऑफ 150 रुपीज आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद वो खरीद लेगी, तो ये 50 रुपए करके इनका फायदा हो जाएगा. तो कंपनी जब अपने ही शेयर्स को वापस रीपर्चेस करेगी या आप उठा लोगी बोलो, व्हाटएवर, तो इसको हम बोलते हैं रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी. ठीक है, ये है रिडेम्पशन का कॉन्सेप्ट. क्लियर है?